मध्य प्रदेश में सरकार को लगभग एक साल पूरा होने वाला है। इस सरकार में पहले बाल दिवस मनाया गया और फिर अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। शहर की जानी मानी बिल्डिंगें बाल संरक्षण के प्रतीकात्मक रंग की लाइटों से नीले रंग के कर दिए गए, मगर दिवसों को तारीख पर मनाने वाली सरकार ये भूल गई कि बच्चों को बाकी के दिनों में भी संरक्षण की जरूरत होती है। बाल अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने में बाल आयोग का अध्यक्ष सरकार नहीं चुन पाई है। जो बाल अधिकारों की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार के ढीले रवैये का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में बाल आयोग का पद पिछले 8 महीने से खाली पड़ा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाना बेईमानी सा था, क्योंकि जिस विभाग में अध्यक्ष ही नहीं है वहां सुनवाई कौन करेगा, कौन बाल संरक्षण की बात करेगा, दिन पर दिन बढ़ते बाल अपराध कैसे कम हो इसके लिए बाल आयोग में अध्यक्ष का होना बेहद जरूरी है, मगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही। आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाने की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। विश्व बाल दिवस हम सभी को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण के लिए काम करना है। बच्चे ही हमारा भविष्य है, लेकिन अगर बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे तो एक बेहतर दुनिया का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। हमारी पीढ़ी को ये मांग करनी चाहिए कि सरकार, व्यवसाय और समुदायों के नेता अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें और अब बाल अधिकारों के लिए कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हर बच्चे को हर अधिकार प्राप्त हो। मगर मध्य प्रदेश सरकार ने शहर की कुछ चुनिंदा बिल्डिंगों को लाइटों से नीला करके इस दिवस की तीसरी कर दी। शहर के विभांशु जोशी, जो हमेशा से बाल अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जो बाल आयोग के पूर्व सदस्य हैं, उनका कहना है कि बाल आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति का ना होना मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। 20 नवंबर को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाएगा। भारत में भी इसको मनाया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। और ये मध्य प्रदेश का ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से बाल आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है। अब आप देखिए, जब पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल में, दुनिया में बाल अधिकार दिवस मनाया जाएगा, ऐसे में बिना बाल आयोग में अध्यक्ष के बच्चों के अधिकारों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संधि हुई थी उसको पूरे दुनिया में CRC 30 के तौर पर मनाया जा रहा है। अब 30 साल उसके होने वाले हैं बाल अधिकारों का, और ऐसे में बाल आयोग का अध्यक्ष न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कोई उपयुक्त व्यक्ति को मध्य प्रदेश बाल आयोग में अध्यक्ष नियुक्त करें, जिससे कि मध्य प्रदेश का बाल आयोग बच्चों के हित में, जिस तरीके से बच्चों के साथ हम देख रहे हैं लगातार रोज समाचार पत्रों में, और दखल न्यूज़ तो लगातार ऐसे सोशल न्यूज़ को रेगुलर कवर कर रहा है कि किस तरह से बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि बाल आयोग के अध्यक्ष के बिना बच्चों के अधिकारों को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। मेरी दखल न्यूज़ के माध्यम से ये अनुरोध है सरकार से कि यदि आप, यदि 20 नवंबर के बाल अधिकारों को दिवस को सही ढंग से मनाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में एक बाल आयोग का शीघ्र से शीघ्र अध्यक्ष नियुक्त करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।